बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर भाजपा सांसद ब्रजलाल का हमला, जहां वो कहते हैं अखिलेश ने पलायन दंगा आरोपियों को टिकट दिया है। दंगा आरोपियों को विधानसभा भेजना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश नाहिद हसन मदन भैया जैसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं। भाजपा ने धौलाना के सपा प्रत्याशी को हटाने की भी मांग की है। सपा का प्रयोजन क्या है? सपा इन्हें चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजने की नापाक हरकत की है। ये विधानसभा में जाएंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसका जवाब उनके पास होगा, क्योंकि वही इनके सरगना है। अब तो सहारनपुर दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। 1984 में जिस प्रकार कांग्रेस ने सिखों को टारगेट कर, कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पर नुकसान करने कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और MLA और मंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके राज में तब ये इतने बड़े दंगे हुए और आज वही काम आप कर रहे हैं जो गांधी परिवार करता आ रहा है सिखों के खिलाफ। सहारनपुर से अनेकों सिखों के मुझे फोन आए, वहां पे लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।